परमेश्वर भी आपके दुश्मनों का यही हाल करने जा रहा। परमेश्वर आपके तरफ से आपके दुश्मनों के लिए युद्ध करेगा, आपके तरफ से लड़ाई करेगा, उनको घुटनों के बल रेंगते हुए जाना पड़ेगा। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रोमिस कार्ड नंबर 10 और 10 में जो वचन है वो निर्गमन के 14 के 14 वचन है। उसमें जो वचन है वहाँ लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है यहोवा तुम्हारे लिए अपने आप ही लड़ेगा। यानी कहने का अर्थ है, यदि आपका कोई दुश्मन है, आपका कोई विरोधी है, तो आपको उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको उनके लिए प्रार्थना करना है और परमेश्वर आपके लिए आपके तरफ से उनसे लड़ाई करेगा। जब हम इसी के बारे पद से पढ़ते हैं तो वहां पास लिखा है, हम तुझसे मिस्र में यह बात ना कहते हैं कि हमने रहने दे, हम मिस्रियों की सेवा करें। हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। जब मूसा अपने लोगों को मिस्र से निकाल कर ले आया तो जंगल में भटक रहे थे, तब उन लोगों ने मूसा को कहा, तू हमें यहाँ जंगल में लाकर मारना चाहता है, इससे अच्छा कि हम मिस्रियों की सेवा करते रहें। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो आज है तुम्हारे लिए यहोवा करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उसे फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। फिर जब हम 15 पद से पढ़ते तो वहाँ लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है, इसराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से वो कुछ करे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इनको तू आज्ञा दे कि इजरायली यहाँ से कुछ करे, लेकिन आगे तो समुद्र है, वो कहाँ जाएंगे। तब 16 पद में लिखा है, तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल स्थल पर चले जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दिया, अपनी लाठी तो समुद्र की ओर कर, वो दो भाग हो जाएगा और इसराइली उसमें से स्थल पर यानी कि जमीन पर चलकर वो आगे जाएंगे। फिर देखिए आगे जो दुश्मन उसके थे उनका क्या हाल हुआ। परमेश्वर भी आपके दुश्मनों का यही हाल करने जा रहा है। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वह वहाँ भी उनका पीछा करेंगे, यानी कि समुद्र के बीच से जिस परमेश्वर ने रास्ता निकाला है उस रास्ते से इजरायली होकर जाएंगे और उस रास्ते में भी मिस्रिय उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथ और सवारों विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं ही यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उसके पीछे हो गया और बादल का खंभा उसके आग से हटकर उसके पीछे जा ठहरा। यानी कि जब मिस्री इजरायलियों का पीछा कर रहे थे तब बादल का खंभा मिस्रियों को रोक लिया और उनको आगे जाने से रोका। जब इजरायली समुद्र को पार कर लिए तब वो आग का खंभा हटा और मिस्री उनका पीछा करते हुए समुद्र में जाते रहे। फिर देखिए क्या हुआ आगे। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया और बादल अंधकार तो था तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात पर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गया। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल स्थल होकर चले और जल उनकी दाहिने और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चलते गए और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभों में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उन्हें उनके रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलना कठिन हो गया।
तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इज़राइलों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर है, मिस्रों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हालेलुया। देखिए मेरे पियो यहाँ पास क्या कहता है, आओ हम इज़राइलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। परमेश्वर आपके तरफ से आपके दुश्मनों के लिए युद्ध करेगा, आपके तरफ से लड़ाई करेगा, उनको घुटनों के बल रेंगते हुए जाना पड़ेगा। जब आगे इसने पढ़ेंगे तो आगे लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और उनके सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर उठाकर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्र उल्टने भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इज़राइल के पीछे समुद्र में आए थे वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बच सका। जितने सेना जितने रथ फिरौन के सेना समुद्र में मिस्री इज़राइल का पीछा कर रहे थे, इज़राइलियों की उस समुद्र में चले गए, क्योंकि जब वो सोचे होंगे कि जब ये इन लोग समुद्र के बीच में होकर जा सकते तो हम भी जा सकते हैं। उनका पीछा करते करते आधा समुद्र को वो भी पार कर चुके थे। तब तक इजरायली समुद्र से बाहर निकल चुके थे और फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ लाठी उठाकर इस समुद्र की तरफ उठा। तब वो पानी दोनों जो दीवाल की तरफ खड़ा हो चुका था वो मिल गया और क्या हुआ, जितने भी उसमें सैनिक थे वो भागने लगे, लेकिन उन सब समुद्र के बीच में डूब गए और वचन कहता है उसमें एक भी ना बच सका। हालेलुया। यही है मेरे पियो परमेश्वर का सामर्थ। इसीलिए ये वचन कहता है जिस व्यक्ति को मिला है, परमेश्वर आपसे कहता है मेरे पियो, तुम चुपचाप हो जाओ, तुम उसके विरुद्ध में लड़ाई मत करो, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से है, वो हमारे लिए उनसे युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा, उनको पराजित करेगा और हमें उसमें जयवंत दिलाएगा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें जयवंत से बढ़कर प्रेम किया है, वो हमें कभी भी हारने नहीं देगा, दुश्मनों के सामने गिरने नहीं देगा, बल्कि दुश्मन आपके सामने रेंगते हुए घुटनों के बल जाएंगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, इस वचन को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भी यीशु मसीह पर लोग विश्वास करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। आपके वीडियो शेयर करने से एक व्यक्ति का जीवन बदलता है तो प्रभु उसका आशीष आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे प्रॉमिस कार्ड नंबर 11 के कि किसको वचन मिला है और वचन आप सभी से क्या बातें करना चाहता है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी जगह फैला दीजिए ताकि और भी लोग यीशु मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू।